गुड मॉर्निंग सबों को, यीशु साहब फिर से आप सबको स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज है 9 अप्रैल 9 अप्रैल 2024। और आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज जीएल चर्च जीरपानी राउरकेला चर्च का बेल टावर का इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन का उत्सव है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है गेट, वेलकम गेट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चर्च, जो कि यही जो ऊपर बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं ये वाला, यही इनॉग्रेशन होने वाला है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये बाद में बनाया गया है, पहले ये नहीं बना था, केवल सैंपल था, सैंपल चर्च था, साधारण था, पर इसको बाद में बनाया गया है। आज इसी का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो हम लोग बाबू के साथ है और मैया लोग और उनका मामी लोग पीछे हैं, वो लोग बाद में आएंगे और आए थे। तो हम लोग का जो पड़ोसी लोग के साथ में आएंगे, तो हम लोग पहले ही आ गए हैं क्योंकि यहाँ जल्दी नहीं आने से नहीं होगा, इस वजह से हम लोग पहले ही आ गए थे। तो जो भी कार्यक्रम होगा वो आप लोगों को, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। शुरू से आखिरी तक आप लोग देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और प्रोसेशन का वीडियो आप लोग ऑफिशियल चैनल में देख पाएंगे, और इसमें केवल आप लोग इनॉग्रेशन कैसा होगा वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और धूप तेज हो रहा है, रात में कल बारिश हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा राहत तो मिलेगा लग रहा है, लेकिन अंदर जो टेंट है रेड रेड लगाया गया है, वो हो सकता है कि सबको रेड दिखेंगे क्या। और यहाँ पे सर लोग आ गए, यीशु साहब, यीशु साहब ठीक है आप लोग, यीशु साहब, यीशु साहब ठीक है आप लोग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलकम गेट, मेहमान लोग की तरफ से प्रोसेशन करते हुए लाएंगे। तो बने रहिए आप लोग एंड तक। आज बहुत ही खुशी का दिन है, तो आइए
मेरा भाई दोस्त लोग आ रहे हैं इस तरफ से, इस है। हाँ ठीक है, हर आप तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा पास है पंपलेट, और पंपलेट को पाड़ के देखते हैं कि क्या कैसा कार्यक्रम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अरे वॉलंटियर भाई लोग पार्किंग करो, ये लोग का पार्किंग करो उधर। रोहन घर लेके जा, घर लेके जा, छुट्टी है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ बेल टावर एंड बालकोनी जीएल चर्च जगदा झिरपानी राहुल किला, डेट 9/4/2024 मंगलवार। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। भजन संहिता 127:1। रेवरेंड चोनस लकड़ा सर और रेवरेंड साबन बंकर सर के द्वारा आज ये बेल टावर इनॉग्रेशन होने वाला है, और प्रोसेशन का टाइम था 8:30 प्रोसेशन, और 9 इनॉग्रेशन ऑफ मोनूमेंट स्टोन बाय रेवरेंड साबन बंकर एंड बेल टावर एंड बालकोनी इनॉग्रेशन बाय रेवरेंड चोनस लकड़ा चेयरमैन राहुल क्लब पेरिस। तो इस तरह से है, और बहुत सारा है जो कि मैं पढ़ के आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है। Hello. शायद इस तरफ एक्चुअली मैं यहाँ पे वेलकम गेट और उस तरफ भी कोई वेलकम गेट बनाने का था, पर कुछ समय कमी का वजह से और बारिश सब हुआ इस वजह से नहीं हो पाया है। तो आइए, जो कुछ यहाँ पे कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और तीन झिरपानी गिरजा राव से बेल टावर का जी का मुंडाते घंटी ओडा संस्कार लगन ते हजारे सुंदर अवसर धन्यवाद। अली हजूली कारीमाटी पेरिस काउंसिल पुनापानी मंडली ते इंतर चेयरमैन को बापी नेता कानी धन्यवाद। इन जीएल चार झिरपानी लोकल मंडली एनआर इन वॉलंटियर सदस्य तानी जिमा एम कादिया को कैटरिन रहा हर पेड़ा को के चिलका दारोम एनआर जिमा एम कादिया को एनआर इस बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ का कार्यक्रम होगा। यही थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा कामी महसूस हो रहा है मेरे हिसाब से, बाकी सब ठीक है। आइए अगला कार्यक्रम सब देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं प्रोसेशन के लिए तैयार हो गए हैं, और प्रोसेशन अभी स्टार्ट होगा। और प्रोसेशन का एक्चुअली में पंपलेट को देखा जाए तो 8:30 का समय था, पर कुछ कारण बस लेट हो जा रहा है, 10 रहा है, 8:30 का समय था पर कुछ कारण बस लेट हो जा रहा है। तो आइए अभी देखते हैं। Yes.
Thank you.
पास जब यहाँ स्थिरपानी मंडली का जो गिरजे घर का कुमर तैयार किया गया और वह तैयारी विभिन्न कामों और बातों विचारों के द्वारा से होने पाया है, क्योंकि तूने उसे तैयार करने में विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को जुगाड़ करने में और आर्थिक सहायता देने में एक एक को अगुवाई और सहायता की, जिसके तहत होकर के आज के दिन को हम सबों ने और या झीरपानी मंडली ने सफल बनाने पाया है। हर एक उन दानदाताओं को तेरे हाथ हम सौंपते हैं जिन्होंने इस गुमट को बनाने में अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें तू अगुवाई और सहायता किया, प्रेरणा दिया। हर एक के मनों को तूने चलाया और आज सचमुच में यह गुमट जब तैयार होता है, हम सभी झीरपानी मंडली और किला पेरिस के अंतर्गत जितने भी भाई बहनें हम आते हैं और विभिन्न स्थानों से आए हुए मेहमानगण होकर के हम इन सबों के आनंद में आनंदित होते हैं और एक दूसरे के साथ तुझे परमेश्वर के महान प्रेम को हम बांटने पाते हैं। जो कुछ भी हमने तुझसे नाम लेकर के नहीं मांगा है, सभी उत्तम आशीषों को हम तुझसे प्राप्त करने पाएँ और यह दिन तय की प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही है, आमीन। अब प्रिय ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। Yeah.